ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल वाला जो गाना है वही वाली चीज. सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होने का रीजन भी रिफ्रैक्शन है. कैसे है चलिए समझते हैं. आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, सभी ने ज्योग्राफी पढ़ी है, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है. क्या सिर्फ एटमॉस्फेयर है? नहीं, एटमॉस्फेयर भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटोस्फेयर और बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं. तो उन सभी लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया. क्यों डिवाइड किया गया? क्या आपने ये सोचा कभी कि क्यों डिवाइड किया? ऐसा क्या था? क्या मैं एटमॉस्फेयर नहीं बोल सकता पूरा एक एक बार में? ऑब्वियसली नहीं बोल सकता. क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज लेयर्स जो अलग अलग हमने डिवाइड करी उन लेयर्स की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती. कैसे? आपने सुना है कि एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो ओजोन लेयर होती है. O3 ऑक्सीजन का ओजोन होता है वहां पे, जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है. तो सबसे ऊपर क्या है? ओजोन लेयर. इट मींस वहां पे सिर्फ ओजोन ही है. उस लेयर की प्रॉपर्टी बाकी लेयर से अलग है. इसी तरह से ओजोन के जस्ट नीचे आते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन की लेयर होती है. तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? उस लेयर में मैक्सिमम नाइट्रोजन ही होगी और दूसरी गैसेस भी होंगी, बट मेजर जो क्वांटिटी होगी वो नाइट्रोजन की होगी. उसके नीचे आते हैं तो फिर दूसरी कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन या फिर कोई और गैस आती. ऐसे करते करते अलग अलग गैसेस का अलग अलग एक लेयर अर्थ के ऊपर फॉर्म होता है और हम इन सभी को क्लब करके बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो अब क्योंकि ये गैसेस सभी अलग अलग है, इन गैसेस की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ओजोन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जितनी गैसेस हैं ये सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है. और ये गैसेस सभी अलग अलग लेयर्स में सरवाइव करती है. सो इट मींस अगर ये गैसेस अलग अलग हैं तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा. अब क्योंकि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम हमेशा बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में करेंगे. हमें क्या करना ओजोन में क्या है, हमें क्या करना ऑक्सीजन या वो नाइट्रोजन कैसे बना है, क्यों है वहां पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. हमें तो सिर्फ अपना काम निकालना है. हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं. तो ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि अलग अलग गैसेस होने की वजह से एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट नहीं है. कॉन्स्टेंट क्यों नहीं है? गर्मी में आपने देखा इस वक्त जो है वो हवा गर्म हो गई तो यहां से हवा ऊपर उड़ गई. हवा जैसे ही अर्थ से ऊपर उठी तो क्या होगा? अर्थ से ऊपर उठने पे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा. लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ठंडी हवा यहाँ पे आएगी दूसरी जगह से. तो आप देखेंगे कि बहुत तेज हवा चलती है गर्मियों में. तेज हवा चलने से क्या होगा? हमेशा जो लेयर है ऑक्सीजन की या फिर कोई भी गैस की आपके अर्थ के पास, आपके घर के आसपास, तो आप देखेंगे कि वो जो लेयर है वो बार बार चेंज होती है. कभी उसमें बहुत ज्यादा धूल होती है, कभी उसमें बिल्कुल ही साफ सुथरी होती है, कभी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी. ऐसा आप देखेंगे. ओके, दिस इज वेरी ऑब्जर्वेशन, दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन. तो आप ये देखेंगे कि कभी जो धूल वाली हवा चल रही है, धूल वाली हवा में हमें आसानी से सारी चीजें नहीं दिखती. या कभी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी हवा चल रही है. तो साफ सुथरी हवा और धूल वाली हवा जो होगी इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी अलग अलग होंगे. ओके, सर्दियों में आप देखते हैं कि हवा जो है वो बहुत ठंडी हो जाती है तो वो बिल्कुल हमारे अर्थ के बिल्कुल पास में रहती है. पास में रहने से क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर क्रिएटेड है, इट मींस कोई हवा का मूवमेंट ज्यादा होगा नहीं. इसीलिए आप देखेंगे कि जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा का क्या होगा? ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रहा. मिट्टी अगर कहीं से आने की कोशिश भी करेगी तो उसमें आएगी ही नहीं क्योंकि प्रेशर ही नहीं बनेगा. ये सब आपने ज्योग्राफी में देखा होगा. सो हम ये कहते हैं कि लाइट का, ठीक है, लाइट का जो मूवमेंट है कहां से एटमॉस्फेयर में, वो कांस्टेंट नहीं है. कि अभी अगर मैं बात कर रहा हूं इस सरफेस में तो यहां से जरूर लाइट रे कांस्टेंटली चली जाएगी,
बिना किसी रिफ्रैक्शन के। लेकिन जैसे ही लाइट रे ऊपर की तरफ मूव करेगी, आपके अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा इट मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होंगी लेकिन वो होने लगती है। ओके, तो देखते हैं कैसे। इवन जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी आप देखेंगे कि जहां पे बर्ड्स एक्चुअल में है वहां पे नहीं दिखेगी, वो थोड़ा सा आगे या पीछे दिखती है। अगेन द रीजन सेम। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक अर्थ का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं मानता हूं कि लेट्स से दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर लेयर्स हैं। कैसी लेयर्स? लेट्स से दिस इज वन लेयर, देन लेट्स से दिस इज सेकेंड लेयर, देन लेट्स से यहां पे भी एक लेयर है ऐसा, ये इस तरह से लेयर्स अर्थ के चारों तरफ है। भले ही वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि लाइट उसमें से पास हो जाती, उससे लाइट टकरा के वापस आए तो हमें जरूर दिखाई देगा। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, आप डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हो लेकिन क्या आप ऑक्सीजन को देख सकते हो? नहीं देख सकते। अगेन द रीजन इज कि वो इतना छोटा है या फिर वो ट्रांसपेरेंट है कि लाइट उससे टकरा के हमारे पास आ ही नहीं पाती, लाइट उसे क्रॉस कर जाती है। सो ये तीन चार हमने लेयर्स बनाई जो कि अर्थ के चारों तरफ होती हैं, जो कि हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है। इन सभी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। अलग अलग होने के वजह से क्या होगा, जब लाइट इन लेयर्स से ट्रेवल करेगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। सो चलिए इसको रे डायग्राम की मदद से समझते हैं। मैंने मान लिया कि दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ है, दिस पोर्शन। इसके ऊपर यहां पे ऐसा एक लेयर है, एक लेयर और ऊपर और एक लेयर और ऐसा ऊपर। दिस इज लेट से L1, दिस इज L2, दिस इज L3। दीज आर थ्री डिफरेंट लेयर्स ऑन अर्थ, ठीक है, अबव अर्थ। मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है ऐसा, और ये देखने की कोशिश कर रहा है किसको, स्टार्स को। तो लेट्स से यहां पे एक स्टार है ऐसा, एक स्टार बनाया हमने। इस स्टार से निकलने वाली लाइट रे अर्थ की तरफ आएगी, जैसे ही अर्थ की तरफ आई वो इस लेयर से इनकाउंटर होगी। अब आप जानते हैं कि जो स्पेस है, स्पेस में कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई हवा नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इट मींस वो तो पूरा वैक्यूम है, और वैक्यूम से लाइट क्या हो रही है, हवा के अंदर आ रही है। तो इट मींस यहां पे वैक्यूम का, इसको हम लिख देते हैं वैक्यूम, ये पूरा सरफेस इधर ऊपर का, अर्थ के बाहर जो चीज है वो सब क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें डिफरेंस है, उनमें डिफरेंस है, इट मींस वहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। सो ये जो L3 इंटरफेस है, L3 इंटरफेस इज बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर, लेट्स से दिस इज ओजोन, सबसे ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, ओजोन लेयर। सो लेट्स से दिस ओजोन लेयर और वैक्यूम के बीच में जो एक इंटरफेस है, दैट इज दिस लेयर L3। तो लाइट जैसे ही इससे स्ट्राइक करेगी वैसे ही वो रिफ्रैक्ट होगी। तो लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल, हम मान लेते हैं किसी डायरेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट हुई ऐसा कुछ, ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसी आई। अब रिफ्रैक्ट होने के बाद ये दूसरी L2 लेयर से टकराएगी, और L2 लेयर और L3 लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, वो दोनों अलग अलग है।
तो इट मींस लाइट का वापस से रिफ्रैक्शन होगा। हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, लाइट का ऐसा लेट से कुछ रिफ्रैक्शन होता है, और फिर यहाँ पे जब लाइट L2 लेयर से रिफ्रैक्ट होके L1 लेयर पे आएगी, तो अगेन L1 लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और L2 लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से अगेन L1 पे रिफ्रैक्शन होगा। सो रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे कुछ ऐसे ट्रेवल करके इस पर्सन के पास आ गई। अब जैसे ही लाइट रे इस पर्सन के पास आई, इसको स्टार दिखने लगेगा, लेकिन स्टार तो यहां पे, तो लाइट रे जो आनी चाहिए थी वो स्ट्रेट आनी चाहिए थी, लेकिन आई कैसी, वो तीन चार रिफ्रैक्शन के बाद टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो फाइनली जब लाइट आ रही है तो इस पर्सन की आंखों में इस डायरेक्शन से आ रही है। सो ही विल फाइंड कि जो सन है, जो स्टार है, उसको यहां पे दिखाई देगा। तो क्या देखा हमने, स्टार यहां पे था, लेकिन फिर भी वो उसको थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई दिया, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई दिया, शिफ्ट की स्टार की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इस तरफ खसक गया। अब ये स्टार अब हमें यहां दिख रहा है, लेकिन हम इस गैप को, जो दो स्टार्स के बीच का जो गैप है, हम इसे जज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं जज कर पाएंगे? बिकॉज दीज आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे, ये बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से स्टार यहां पे या यहां पे, हम इसको जज नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि ये एक ही स्टार है, ठीक है, एक ही जगह पे रखा हुआ है। अब जैसे कि लाइट इस तरह से आई, यहां से रिफ्रैक्ट हुई और टकरा के यहां पे मिली, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्टार यहां पे। सो अभी ये स्टार यहां दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शंस हुए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हवा चलती है, हवा चलने से क्या होगा, हवा चलने से एयर का मूवमेंट इधर से उधर होगा, इट मींस पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। किसका? धूल का, मिट्टी का, और कोई गैस का। जैसे कि कहीं चिमनी है किसी फैक्ट्री में, वहां से बहुत सारी गैस निकल रही है चिमनी से, लेट से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है जो कि ब्लैक कलर की होती है। तो वो ब्लैक कलर की जो गैस है वो धीरे धीरे हवा में जा रही है। तो इट मींस वो जो चिमनी है, जो फैक्ट्री है, उसके आसपास की जो जगह है, वहां पे क्या होगा, उनके जस्ट ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड की लेयर ज्यादा होगी। ओके, और कहीं पे खेत है या कोई खाली मैदान है, तो खाली मैदान में क्या है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि प्लांट्स है, जंगल है, तो प्लांट्स होने की वजह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, इट मींस उस जंगल के आसपास के एरिया में और उस जंगल के जस्ट ऊपर जो होगा, ऑक्सीजन की लेयर बड़ी होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की कम होगी या और कोई गैस की कम होगी। तो क्या होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर आ जाएगा। बिकॉज लेयर तो सेम है, जैसे कि ये जो लेयर है, ये लेयर तो सेम है, व्हाइट कलर की लेयर है हमें दिख रही है, लेकिन इस लेयर में भी अलग अलग जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है, माइन्यूट सा डिफरेंस आ सकता है। तो सेम चीज यहां पे होगी, जो हमने तीन लेयर्स बनाई, L1, L2 और L3, यहां पे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में इन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बदलने लगेंगे, चेंज होते रहेंगे, कभी L2 का ज्यादा हो जाएगा, कभी L1 का ज्यादा हो जाएगा। सो इट मीन्स जो लाइट आ रही है कॉन्स्टेंटली यहां से, उसका रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा। कभी लाइट यहां से L2 से L3 आते समय टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके, दिस रिफ्रैक्शन, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। लाइट रे हमेशा यही पाथ को फॉलो नहीं करेगी, हो सकता है उसका पाथ भी चेंज हो जाए, क्योंकि इन तीनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कॉन्स्टेंट नहीं। इसका मतलब यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा, वो इस स्टार का जो रिफ्रैक्शन होगा, वो एग्जैक्टली ये पाथ पे स्टार मुझे नहीं दिखाई देगा, मुझे स्टार हमेशा यहां पे नहीं दिखाई देगा। सो इट मींस कभी मुझे स्टार यहां पे दिखेगा, कभी मुझे स्टार यहां पे दिखेगा, कभी यहां पे दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, क्योंकि लेयर चेंज होती रहेगी। कि आप तारे देख रहे हो और अचानक से कहीं पे बारिश हो गई, ठीक है, आपके जस्ट पड़ोस वाली सिटी में बारिश हो गई, तो वहां से क्या होगा, बारिश होने से हवा ठंडी हो गई, वो पानी की जो ठंडी हवा है वो आपके सिटी तक आएगी, हो सकता है यहाँ गर्मी है, तो उसके वजह से क्या होगा, जो ये लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला, इट मींस यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी बदल गया, रिफ्रैक्शन भी अलग तरीके से होगा। तो सेम चीज यहां होती है। तो आप देख सकते हो कि एक ही स्टार है, लेकिन आपको पांच छह अलग पोजीशंस पे दिखाई देगा,
ओके, 5-6 अलग पोजीशंस पे, और आप जज नहीं कर पाओगे कि ये पोजीशंस अलग अलग है, बिकॉज अगेन दीज आर थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स अवे। सो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि ये तारा अपनी जो जगह बदल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, ये एक्चुअल में ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा, ये टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। ओके, टिमटिमाता क्यों, एक टॉर्च को अगर आप ऐसा मूव करो इधर उधर जोर जोर से, तो यू विल फाइंड आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो बल्ब है वो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसमें इतने अच्छे से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन स्टार्स में आप देख सकते हो। तो रीजन इज ओनली कि रिफ्रैक्शन वहां पे होता है, अलग अलग लेयर्स पे होता है, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट नहीं है, बदलता रहता है। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर, सो दीज फोर आर व्हाट, दीज फोर आर अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार। ठीक है, ये एक्चुअल पोजिशन नहीं है, अपेरेंट है। तो इन पांचों में से मुझे स्टार अलग अलग जगह पे दिखाई देता है, तो अलग अलग जगह पे दिखने से वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाउ, अब ये एक ऑब्जर्वेशन था जिसको हमने बहुत डीप में समझ लिया, जब एग्जाम में आए तो यू कैन जस्टिफाई दिस, यू कैन गिव द रीजन। आई गेस आपने लिख लिया होगा जो भी मैंने चीजें बोली। ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, उसके बाद अब बात करते हैं सनसेट और सनराइज की। दिस इज द फिफ्थ केस। सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज में, सनराइज में यू विल फाइंड कि लेट्स से दिस इज अर्थ, हम पूरी अर्थ नहीं बनाते, हम उसका जस्ट एक पोर्शन बना देते हैं। दिस इज अर्थ, और इसको थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं। आप कहीं यहां पे खड़े हो, दिस इज अर्थ, इस अर्थ पे आप किसी इस पॉइंट पे खड़े हुए। नाउ आई विल से दिस इज द होरिजोन, दिस इज होरिजोन। होरिजोन मतलब आप जिस पॉइंट पे खड़े हो उस पॉइंट से मैंने अर्थ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, आपको टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी। ओके, नाउ ये जो हॉरिजॉन है, ओके, ये क्या है हॉरिजॉन, मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, तो जो भी चीजें इस हॉरिजॉन के नीचे होंगी वो मुझे दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लाइट उनसे आके टकरा के वापस लौट जानी चाहिए, ऑब्वियसली होगा ऐसा। ठीक है, लाइट उससे टकरा के वापस लौट जाएगी तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो जो चीजें इस हॉरिजॉन के ऊपर होगी वो मुझे सब दिखाई देगी। ओके, ये भी समझ में आता है। लेकिन सनसेट सनराइज में एक मैजिक है, एक छोटा सा मैजिक है, मैजिक ऐसा कि सनसेट और सनराइज में आपको सन उगे बिना ही दिखाई देगा और डूबे बिना भी दिखाई देगा, डूबने के बाद भी दिखाई देगा। ओके, सनसेट और सनराइज में ऐसा होता है। सनसेट में क्या होगा, सनसेट में सन डूब चुका है, ठीक है, सनसेट हो चुका है, लेकिन आपको फिर भी सन देर तक दिखाई देता है। सनराइज में क्या होता है, सन अभी उगा नहीं है, सनराइज अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सन दिखना शुरू हो जाता है। ओके, सो एक्चुअल में जो सनराइज होता है और जो आपको सनराइज दिखता है वो उन दोनों में डिफरेंस है, कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। ओके, सो अगेन ये जो डिफरेंस है ये आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हमने ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझा जिसमें हमने अर्थ के ऊपर की लेयर्स की बात की, क्या इस चीज को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो अर्थ में जो मतलब सनसेट और सनराइज जो हो रहा है ये अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या ऑन द एटमोसफेयर, तो लाइट अर्थ का एटमोसफेयर है। तो एक्चुअल में क्या होता है, लेट अस से कि these are the layers of atmosphere, this is L1 layer, this is L2 layer, this is L3 layer, तीन layers हमने बना दी।
ओके सो तीन अलग लेयर्स है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अब एक खास बात ये, सनसेट और सनराइज के समय क्या होता है, जब सनराइज हो रहा होता है, सनराइज होते होते क्या होता है, रात भर जो है अर्थ ठंडी हो जाती है और जो है हीट रेडिएट कर देती है, ओके एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देती है। लेकिन जैसे ही सनराइज होने लगता है वैसे ही क्या होता है, सन से निकलने वाली रेज वापस से अर्थ पे आती है, अब अर्थ की सरफेस पे आती है। अर्थ की सरफेस पे आने से यू विल फाइंड कि अर्थ की सरफेस गर्म होती है, क्यों, क्योंकि वो सन की आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सन की लाइट जो होती है उसको खींच लेती है। सनरेज जो होती है वो गर्म होती है, उसमें हीट होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। सो वो उनको जैसे ही एब्जॉर्ब करती है वैसे ही अर्थ की सरफेस भी गर्म होने लगती है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि रात का समय ठंडा ही होता है कंपेयर टू दिन का समय। ओके दिन का समय जो भी होगा रात का समय उससे तो ठंडा ही होगा, रात में टेम्परेचर हमेशा कम ही होता है। न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि टेम्परेचर आता है डेली का, सो यू कैन ऑब्जर्व दिस, रात को टेम्परेचर कम है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए सनराइज जब हो रहा होता है तो क्या होता है, अर्थ धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब सनसेट होने लगता है तो क्या हुआ, सन उग रहा था, उगते 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 क्या देखा आपने कि अर्थ गर्म हो रही है। लेकिन जब सन डूब रहा है तो सन डूबते डूबते क्या हो रहा है, सन का जो हीट है, जो सन से आने वाली लाइट है, वो अर्थ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब अर्थ को हीट भी कम मिल रही है, हीट कम मिल रही है, इसका मतलब अर्थ कम गर्म होगी, उसमें जो गर्मी हो रही है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये जो दो समय होते हैं सनसेट का और सनराइज का, यू विल फाइंड कि सनसेट और सनराइज के समय ये जो लेयर्स हैं L1, L2 और L3, द ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। वी विल राइट ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज, मतलब आप जैसे ही अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आसमान में जाते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से ऊपर लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसे हम कहते हैं वो कम होती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो इट मीन्स L1 जो लेयर है वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली है, वो एक डेंसर मीडियम है। L2 जो लेयर है वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयरर मीडियम है। और L3 जो है वो और भी कम है, मतलब वो और भी ज्यादा रेयरर मीडियम है, और L3 के ऊपर तो वैक्यूम है। सो इट मीन्स ऊपर जाते जाते ऑप्टिकल डेंसिटी या कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम होता जाता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो क्या होगा, जब लाइट रे अर्थ से बाहर की तरफ निकलेगी तो उसमें रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे, अर्थ से निकली L1 पे टकराई, L1 L2 के इंटरफेस पे, L2 रेयरर है, L1 डेंसर है, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। फिर L1 से जो L2 और L3 की जो लेयर है उस पे टकराएगी तो वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। तो ये ऐसा कुछ फेनोमेना आप देख सकेंगे, लाइट रे लेट से ऐसी टकराई, ऐसी टकराएगी तो यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फाइनली ऐसी चली जाएगी। ओके मतलब जो लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी वो ऐसी चली जाएगी, अगेन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। सो चलिए हम ये समझते हैं कि अर्थ का जो मतलब सन के साथ जो रिलेशन है, कि अर्थ जो सन है वो हमें ज्यादा देर तक दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है। मैं मान लेता हूं कि सन इस वक्त इस हॉरिजॉन के, हॉरिजॉन मतलब जहां से मुझे दिखता है, इस लेवल के नीचे, ठीक है, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट के नीचे कोई चीज होगी तो मुझे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि पूरी अर्थ ही दिखाई देगी। लेकिन इसके ऊपर मैं देखूंगा तो मुझे सब कुछ दिखाई देगा। ओके क्या आप यहां खड़े होके ऐसा देख सकते हो कि अर्थ यहां से टिल्ट होती हुई दिखेगी? कभी भी नहीं, आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि अर्थ जो है वो टिल्ट हो रही है। ओके सो सन से निकलने वाली रे जैसे ही अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करेगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। जब रे वैक्यूम से L3 के अंदर आएगी तो L3 इज अ डेंसर मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम, इट मींस लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी।
किधर बेंट होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद अगेन सेम थिंग, उसके बाद वापस से वही चीज होगी। कैसे, चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। लाइट रे, कुछ इस तरह से L3 पे टकराती है। यहां से लाइट रे का L वैक्यूम से L3 में जाने पे रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज़ L3 इज अ डेंसर मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। तो ठीक है, लाइट बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। उसके बाद जब लाइट L2 और L3 के इंटरफेस पे टकराएगी, फिर वापस रिफ्रैक्शन कहां पे होगा, L2 means L2 is a denser medium, so towards the normal. So again towards the normal bend हुई। और फाइनली जब लाइट रे L2 और L1 के इंटरफेस पे टकराएगी, तो अगेन द रिफ्रैक्शन इज towards the normal, एंड यू विल फाइंड कि ये लाइट रे आपको कुछ ऐसी आती हुई दिखाई देगी। तो सन से निकलने वाली रे जो ऐसी थी वो ऐसी हुई, फिर ऐसी ऐसी बेंट होते हुए यहां पहुंच गई, और फाइनली आपको दिखेगा कि ये सन यहां पे, यू विल फाइंड कि ये सन जो है वो यहां पे, ये लाइट रे ऐसी जा रही थी, इट इज गोइंग लाइक दिस, एंड यू विल फाइंड कि सन यहां पे दिखाई देगा। तो सन कहां था, सन हॉराइजन के भी नीचे था, हॉरिजॉन से बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी जो लाइट रे सन से निकल रही थी वो रिफ्रैक्ट होते 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 फाइनली मेरी आईज में आ गई, और मुझे ये दिख रहा है कि जो सन है वो यहां पे। क्या सन एक्चुअल में यहां पे? नहीं, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन। एंड दिस इज एक्चुअल पोजीशन, सन इज दिस। सो आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए सन राइज हो रहा है, तो सनराइज होते समय क्या हो रहा है, ये सन धीरे धीरे ऊपर आते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा है, लेकिन जब सन यहां पे था तो मुझे सन कहां दिख रहा था, यहां पे दिख रहा था। इट मींस मेरे हिसाब से तो सनराइज हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में तो सन यहां पे। यू कैन गेटिंग, यू आर गेटिंग दिस सनराइज। तो हम क्या कहेंगे कि सनराइज होने के पहले ही मुझे सन दिखने लगता है। ओके, सनराइज होने के पहले ही मुझे सन दिखने लगता है, लेकिन सनसेट में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, आपका सन यहां पहुंच चुका है, आपने देखा कि सन डूबते 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 हॉरिजॉन पे आया और हॉरिजॉन से नीचे चला गया और फाइनली यहां पे। अब सन क्या हो रहा है, और नीचे जाते जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको सन यहां पे दिखाई दे रहा है। मतलब सन जो है आपके हॉरिजॉन से नीचे जा चुका है, इट मींस सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको सन यहां दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये जो सन की इमेज बन रही है, ओके, रिफ्रैक्शन के बाद जो सन की इमेज बन रही है, जब तक ये हॉरिजॉन के नीचे नहीं आ जाती, तब तक आपको सन दिखाई देगा, भले ही तब सन यहां पहुंच जाए। तो आप सोचिए कि सन यहां पे होके मुझे यहां दिख रहा है, यहां नीचे हो जाएगा तब मुझे दिखेगा कि सनसेट हो चुका है, तब तक मुझे दिखेगा कि नहीं अभी तो सनराइज ही, अभी तो धूप निकली हुई है, अभी तो गर्मी है। ओके, सो सनसेट और सनराइज में इस तरह से फिनोमेनन होता है, जिसकी वजह से किसकी वजह से, लाइट की वजह से, अगेन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज द बेसिक रीजन। सो आई गेस ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो नेचुरल फिनोमेना जितने भी हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, हमने देखा कि अर्थ पे जो लाइट एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, और लाइट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही जज करती है। लाइट को किसी चीज से मतलब नहीं, लाइट सिर्फ देखती है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग लाइट अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेती है और बेंड हो जाती है। सो यहां पे कुछ इस तरह से बेंडिंग होने वाली है। नाउ उसके बाद आपने देखा होगा अलादीन की कार्टून में, कि अलादीन की कार्टून में एक पर्सन जो है वो डेजर्ट में जाता है, डेजर्ट में जाता रहता है, सूरज चमक रहा है ऊपर से, बहुत गर्मी लग रही है, पानी पीना है उसको, प्यास लग रही है और पसीने में हो रहा है। सो यू विल फाइंड कि वो चलते 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 उसको ऐसा दिखता है कि सामने मेरे कोई तालाब है, तालाब है, उस पर ऐसा पेड़ लगा हुआ है, उसमें नारियल लटक रहा है, तो वो तालाब में मुझे वो पेड़ की इमेज भी दिखाई दे रही है और वहां पे पानी है ढेर सारा। वो क्या करता है, वो फटाफट भाग के जाता है और उसमें कूदने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कूदता है तो वो
अगेन जो रेत होती है सैंड में, वो सैंड के अंदर ही घुस जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको वहां पे पानी दिखा, लेकिन वो भाग के गया तो पानी गायब हो गया। ऐसा क्या जादू था? ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत गर्मी है, गर्मी के सीजन में आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाने से क्या हो रहा है, गाड़ी चलाते चलाते आपको दिखेगा कि रोड पे थोड़ा सा आगे जो है वहां पे ऐसा पानी पड़ा हुआ है, चमकता हुआ पानी दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, आप डर के गाड़ी स्लो कर लोगे कि नहीं यार पानी है। आप जैसे ही उस पानी के पास जाओगे, वो पानी गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, एकदम से गायब हो जाएगा। या ऐसा कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपको दिख रहा है सामने पानी, और आपके जस्ट आगे भी कोई गाड़ी चल रही है, आप ये देखेंगे कि जैसे ही वो गाड़ी उस पानी को क्रॉस करती है, आपको दिख रहा है कि वहां पे पानी पड़ा हुआ है और ये गाड़ी ऐसी जा रही है, आप दूर पे खड़े हो, तो यू विल फाइंड कि वो पानी को जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस करती है, वो पानी ऐसा उछलता नहीं, वो पानी टायरों से ऐसा उछलेगा नहीं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो पानी क्यों नहीं उछल रहा? मुझे दिखाई दे रहा है बट फिर वो गायब कैसे हो जाता है? तो दिस फिनोमेना कि जो चीज दिख रही है लेकिन वो गायब हो जाती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म फॉर दिस इज मिराज इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज मिराज इफेक्ट। ये वर्ड आपने अलादीन की कार्टून में बहुत सुना होगा, वो बोलते हैं नहीं नहीं दिस इज मिराज, मत जाइए वहां पे, दिस इज मिराज, वो पानी आपको जो दिख रहा है वो पानी नहीं है, इट इज नॉट वाटर, इट इज जस्ट अ सैंड, ओके सब सैंड है वहां पे और कुछ भी नहीं है। हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मिराज जो बन रहा है ये क्यों हो रहा है। अब आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने कहा कि गर्मियों के समय में डेजर्ट होता है, डेजर्ट में भी गर्मी है, तो इसलिए वहां पे मिराज दिखाई देता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है समर सीजन में, तो हमें रोड पे वो पानी दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में वो पानी हमें दिखाई नहीं देता। जब बारिश के समय में तो पानी एक्चुअली होता है, तो वो नया पानी तो कोई दिखेगा नहीं, लेकिन सर्दियों में दिखाई नहीं देता, गर्मियों में ही दिखाई देता है। व्हाई इट इज हैपनिंग, क्या आप इस चीज को सोच सकते हैं? मैंने अभी बताया कि सन से निकलने वाली रे जब अर्थ पे आती है, तो अर्थ की जो सरफेस है वो उस रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, इट मीन्स वो रे में जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। समर और डेजर्ट में क्या हो रहा होगा, समर सीजन हो हमारी सिटी में या डेजर्ट हो, डेजर्ट में ऐसा क्या हो रहा होगा कि मुझे मिराज दिख रहा है? अगेन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे लेट अस से ये मेरी अर्थ की सरफेस है, ये मेरी अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस पे सन की रेज आ रही है बहुत तेजी से, बहुत गर्म हो चुकी है। मैं मान लेता हूं कि ये जो सरफेस है ये बहुत ज्यादा गर्म है, इट्स वेरी हॉट। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म है, इट मींस इसके जस्ट ऊपर की जो हवा है जस्ट ऊपर की हवा वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगी। आप ऐसा देखते हैं कि अगर मैंने किसी कंटेनर में पानी गर्म किया, तो कंटेनर के अगर आप पास में हाथ लेके जाएंगे ऐसा, तो यू विल फाइंड कि आपको गर्मी फील होगी, आपके हाथ में आपको लगेगा कि गर्मी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने कंटेनर में पानी भर के उसको गैस पे रखा, वो गर्म हो गया, तो इस मीन्स कंटेनर की बाउंड्री भी गर्म है। अब कंटेनर की बाउंड्री तो गर्म है, लेकिन उसके आसपास की जो हवा है, बिल्कुल क्लोज टू कंटेनर जो हवा है, वो क्या होता है, वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो जैसे ही आप कंटेनर के थोड़ा सा पास में भी हाथ लेके आएंगे, यू विल फाइंड कि आपको गर्मी फील होगी। ऐसा आपने देखा है, एक ग्लास में ठंडा पानी भर देते हैं तो वो जो आसपास है उसके वो पानी जम जाता है। वाई इट इज, इट इज ड्यू टू द कंडेंसेशन। आपने सुना होगा कि आसपास की जो हवा है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, उसमें जो एयर, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ठंडा हो जाता है। तो अगेन यहां पे भी वही चीज हो सकती है, यहां पे क्या है, यहां पे गर्मी है, तो ये जो अर्थ की सरफेस है ये बहुत ज्यादा गर्म है। इस गर्म सरफेस के जस्ट ऊपर वाली हवा और इतनी ही गर्म है, ये भी काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाली जो हवा की लेयर होगी वो कम गर्म होगी। इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर कम गर्म है, इसके और ऊपर वाली लेयर की बात करें तो वो और कम गर्म है,
इसके और ऊपर लेयर की बात करें तो वो और कम गर्म है। तो इट मींस जैसे जैसे मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जा रहा हूं, वैसे वैसे एयर जो गर्मी है, एयर की जो गर्मी है, जो हीट है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये लेयर सबसे गर्म है जो अर्थ के पास में, और ऊपर जो है ये बिल्कुल कम गर्म। सो गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, और जो कोल्ड हवा होती, ठंडी होती हवा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। सो बताइए कि इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होगा? सबसे कम उस लेयर का होगा जो लेयर अर्थ के सबसे क्लोज है, या कहें जिस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो जो अर्थ के सबसे क्लोज है, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इट मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं μ1। μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेयर। इसका μ1, इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर जो है उसका है μ2, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर का μ3, और उसके भी जस्ट ऊपर वाली लेयर का μ4। चारों लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ4 का। सो आई विल राइट μ4 इज ग्रेटर देन μ3, इज ग्रेटर देन μ2, इज ग्रेटर देन μ1। ऐसा होता है गर्मियों के समय में। तो इससे मुझे मिराज इफेक्ट कैसे दिख रहा है? इससे मुझे मिराज इफेक्ट ऐसा दिखेगा कि लेट्स से यहां पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, और यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, ये पर्सन इस पेड़ को देखने की कोशिश करता है। ये पर्सन ने जैसे ही पेड़ को देखा, तो पेड़ से निकलने वाली जो लाइट रे है वो इस पर्सन की आंखों में आनी चाहिए, और किस तरह से आनी चाहिए? इट शुड गो लाइक दिस, और ऐसी स्ट्रेट इस पर्सन को दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर क्या होगा? एक्चुअल में हमने देखा कि इस पेड़ के इस पॉइंट से लेके नीचे तक में चार लेयर्स आ रही हैं, और चारों लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और ऊपर से नीचे तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट मींस जैसे ही इससे निकलने वाली लाइट रे इस लेयर को स्ट्राइक करेगी, वैसे ही वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो जाएगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी? यस, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस का और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, नीचे आए तो और कम हो गया, फिर नीचे आए तो और कम हो गया, नीचे आए तो और कम हो गया। सो इट मीन्स यहां से निकलने वाली लाइट रे ऐसा रिफ्रैक्ट होते 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 फाइनली इस पर्सन के पास इस तरह से पहुंचेगी, और दिस पर्सन विल सी कि ये पेड़ की छाया उसको यहां पे दिखाई देगी। ही विल फाइंड कि पेड़ उसको ऐसा नीचे की तरफ दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा गया और ये पेड़ नीचे दिखाई देगा, एंड फाइनली ही विल फाइंड कि वो पेड़ उसको ऐसा दिख रहा है। क्या हो रहा है? वो पेड़ उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे ही लाइट निकली तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई, फिर और नीचे गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर और नीचे गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हर बार जो रिफ्रैक्शन हुआ वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होता गया। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने की वजह से उस लाइट का पाथ ऐसा होके ऐसा हो गया, और फाइनली ये पाथ ऐसा। तो पर्सन की आंखों में जो लाइट आई वो कैसी आई? उसको दिख रहा है कि ये जो लाइट है, ये लाइट रे, ये यहां से आ रही है। यू विल फाइंड कि लाइट रे यहां से आ रही है। ओके, सो इसीलिए वो डेजर्ट में जो पेड़ है उसकी छाया नीचे दिखती। अब वो जो नीचे जो पेड़ की छाया दिख रही है, वो छाया कैसे दिख रही है? हमें ऐसा दिखेगा कि वहां पे पानी पड़ा है और उस पानी में वो छाया दिख रही है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि रेत में ही आपको पेड़ की उल्टी छाया दिखेगी, पेड़ की उल्टी परछाई दिखेगी। इट इज ड्यू टू कि वहां पे आपको पेड़ की परछाई एक पानी में दिखाई देगी। आपको लगेगा कि यहाँ पानी पड़ा है बहुत सारा और उसमें वो पेड़ उल्टा दिख रहा है। आपने देखा है पेड़ जो होता है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जो होता है पानी में, उसकी इमेज दिखती है और बिल्कुल इन्वर्टेड दिखती है। तो सेम चीज यहां पे भी होगी। ओके, नाउ
अब वो पानी कैसे दिख रहा है? वो पानी जो दिख रहा है वो बेसिकली स्काई है। क्या हो रहा है? स्काई जो है, स्काई से लाइट आ रही है। मैंने स्काई की तरफ देखा गर्मियों में, तो क्या दिखा? स्काई से जो लाइट आ रही है ऐसी ऐसी आती घूमते घूमते, और फाइनली मेरे आईज में जो आएगी वो टिल्टेड आएगी। मतलब ऐसा कुछ हम यहां पे मान लेते हैं कि स्काई, ऐसा स्काई, स्काई से आने वाली लाइट रे ऐसी घूमते हुए आएगी और फाइनली मुझे ऐसी दिखेगी। एंड आई विल सी कि मुझे यहां पे स्काई की एक लेयर दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज द मिराज इफेक्ट, और ये एक मैजिक जैसा इफेक्ट है। आप जज नहीं कर पाते, लेकिन आपको दिखता है कि यार वहां तो पानी है, जाओ तो ऐसा लगता है गायब हो गया, लेकिन वो आया कहां से, कहां चला गया पता नहीं। दिस इज वेरी कॉमन। ओके, सो जो अलादीन में जो वो दिखाता है मिराज, वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, वहां पे तो कुछ और ही दिखा देते, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वो ऐसा ही होता है। ओके, सो दिस इज द मिराज इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन, सो यू कैन नोट दिस। हमने देखा कि तीनों जो ये फिनोमेना है ये अर्थ के लेयर से रिलेटेड है। ओके, अर्थ की लेयर्स पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है उससे रिलेटेड है। जो पहले के तीन फिनोमेना पढ़े वो तीनों अलग थे, अपने आप में अलग थे। वो तीनों नीचे की सरफेस से ऊपर आने पे जो अर्थ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उस पे बेस्ड थे, और अर्थ के बेस्ड जो फिनोमेना है, जो नेचुरल फिनोमेना अर्थ पे बेस्ड है, वो सभी क्या है? अर्थ की लेयर्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से होते हैं। सो यू कैन नोट दिस।